आशा है आप कुशल हैं। इस समय हम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें घर पर ही रहते हुए अपने स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सभी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये नियम हमारे अपने हित के लिए हैं। घर से ना निकलें, सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने की आदत डालें। छींकते और खांसते वक्त नाक और मुंह को रूमाल से ढक लें। अस्वस्थ महसूस होने पर अपने चिकित्सक से संपर्क करें। ग्राहकों के हित के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को किश्त चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत यानी कि मॉरिटोरियम देने का ऐलान किया है। RBI के अनुसार यदि आपने मार्च में किश्त नहीं भरी है तो आपको 3 महीने की मोहलत यानी कि मॉरिटोरियम मिलेगा और आपको अगली किश्त का भुगतान जून महीने में करना पड़ेगा। यदि आपने मार्च महीने में किश्त भरी है तो आपको 2 महीने की मोहलत यानी कि मॉरिटोरियम मिलेगा और आपको अगली किश्त का भुगतान जून महीने में करना पड़ेगा। गौर से सुनिए, मॉरिटोरियम अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज जारी रहेगा। ध्यान रहे, मॉरिटोरियम किश्त की माफी नहीं है। मॉरिटोरियम से आपको बस कर्ज चुकाने के लिए कुछ और समय मिल जाता है। मॉरिटोरियम के ब्याज की रकम को भरने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, आप मॉरिटोरियम के ब्याज की रकम जून की किश्त के साथ भर सकते हैं। दूसरा विकल्प, यदि आप जून महीने में मॉरिटोरियम अवधि का ब्याज भरने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हर महीने की किश्त के साथ इस ब्याज को भर सकते हैं। तीसरा विकल्प, यदि आप हर महीने मॉरिटोरियम अवधि का ब्याज भरने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इसे अपनी आखिरी किश्त के साथ भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉकडाउन अवधि के बाद हमारे ब्रांच मैनेजर या रिलेशनशिप ऑफिसर से संपर्क करें। अगर आप सक्षम हैं तो समझदारी इसी में है कि लॉकडाउन खुलते ही अपनी रुकी हुई किश्त भर दें, ताकि आपको अधिक ब्याज देना न पड़े। और यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो रिजर्व बैंक द्वारा दी गई 3 महीने की मोहलत का लाभ उठाइए। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।